Welcome back, my dear students. And today we are going to cover aquatic life. This is chapter 15 and from your EVS book. Okay, so let's begin the chapter. Aquatic life. What are the key points? Types of aquatic plants and animals means जलीय पौधे और जानवर के प्रकार, मॉस्किटो एंड मलेरिया. और हम क्या पढ़ेंगे? मच्छरों के बारे में और जिनसे मलेरिया फैलते हैं उनके बारे में. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फिश. अब हम जानेंगे कि रुचिकर बातें मछली के बारे में. फिश आर द ओल्डेस्ट एनिमल. आपको पता है कि सबसे पुरानी जानवरों में मानी जाती हैं. फैमिलीज टू लिव ऑन अर्थ, जो कि पृथ्वी पर रहती हैं. They were here long before the dinosaurs. और आपको पता है कि ये डायनासोर के पहले से ही पाई जाती हैं. They are cold-blooded animals. और ये जो होते हैं cold-blooded animals होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि they can control their body temperature. इनको अपनी body temperature को control करना बहुत अच्छे से आता है. Despite their horse shape, sea horses आर फिश. अगर आपने सी हॉर्स को देखा होगा बच्चा, तो वो बिल्कुल देखने में घोड़े जैसा लगता है ना, उसका शेप ऐसा होता है, बट स्टिल इट इज अ फिश. वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सीज एंड ओशंस कंटेन अ वास्ट वराइटी. वास्ट मीन्स लार्ज. लार्ज वराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ. जो वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, उसमें जो है जानवरों की एक बहुत बड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं और पौधों की भी. एक्वा का क्या मतलब होता है बच्चों? एक्वा मीन्स वाटर. एक्वा मीन्स वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स या पौधे जो पानी में रहते हैं, उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि एक्वा का ही मतलब होता है पानी. ठीक है. नाउ एक्वाटिक प्लांट्स. अब एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स कैन बी फाउंड एट डिफरेंट हाइट्स इन वाटर बॉडी. ठीक है. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हाइट्स में वाटर बॉडी में पाए जाते हैं. नियर वाटर बॉडीज, पानी के पास. इन पानी के पास मतलब कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे. इन फ्लोइंग स्ट्रीम्स, या बहती हुई नदी में, रिवर्स में. इवन अलोंग द एजेस ऑफ एनी नेचुरल और मैनमेड ड्रेनेज सिस्टम्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि केवल नेचुरल पानी के पास ही ऐसा होता है. जो मैनमेड ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ प्लांट्स उगे हुए दिख जाएंगे. जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के किनारे उगते हैं, या पानी में उगते हैं, या पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है? मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो आज़ादी के साथ फ्लोट करते हैं. फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स. ये क्या होते हैं? तालाब और झीलों के जो सतह होती है, उस पर वो बिल्कुल आज़ादी से तैरते रहते हैं. हैव स्पॉन्जी बॉडीज. और इनकी बॉडीज कैसी होती है? स्पंज वाली होती है. विद एयर, और स्पंज में जो है हवा होती है. टू हेल्प देम फ्लोट ईजली, जो इनको आसानी से तैरने में मदद करती है. देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बेड. इनका जो रूट्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डक वीड एंड वाटर हायसिंथ. ओके. नाउ फिक्स्ड प्लांट्स. अब फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं? मतलब कि ये हर जगह नहीं तैर सकते हैं. इनका एक फिक्स्ड रूट होता है. Their roots are fixed to the soil. इनका soil में जो होता है root fixed होता है. At the bottom of the pond, their light flexible and hollow stems. इनके जो मतलब हल्के, और इनके जो stems होते हैं बहुत ही flexible होते हैं, बहुत लचीले होते हैं और hollow होते हैं. ठीक है. इसलिए वो आसानी से झुक जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. ठीक है. तो जिधर से भी पानी का फ्लो होता है, ये आसानी से झुक जाते हैं बिना टूटे हुए. देयर ब्रॉड लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. इनकी जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं और जो इनके फूल होते हैं, वो पानी के सरफेस पर तैरते रहते हैं. स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स. इनकी जो पत्तियां होती हैं, इसके अपर सरफेस पे क्या अवेलेबल होता है बच्चों? स्टोमेटा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर लिली, लोटस, इनके इन लीव्स पर ही स्टोमेटा, यानी कि जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स.
दे ग्रो टोटली अंडर वाटर, नाम से ही क्लियर है कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं। देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि अभी हम लोगों ने फिक्स्ड प्लांट्स पढ़ा, लेकिन उनके फ्लावर और उनके लीव्स सरफेस पर होते हैं, पानी के ऊपर, लेकिन इनका ऐसा नहीं होता है। ये वाटर बॉडीज में फिक्स्ड होती हैं और दे हैव लॉन्ग नैरो रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम नैरो होती हैं, ब्रॉड नहीं होती हैं बल्कि छोटी होती हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल रिबन जैसी होती हैं, फीते जैसी, और इसमें स्ट्रोमेटा भी नहीं पाई जाती है। दे कीप द वाटर क्लीन बाई एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर को क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सबमर्ज्ड प्लांट्स ग्रो इन एक्वेरियम्स। ठीक है, तो जो सबमर्ज्ड प्लांट या अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो एक्वेरियम में किस लिए उगते हैं? सप्लाई टू ऑक्सीजन फिश एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स ग्रोन इन एक्वेरियम्स टू सप्लाई टू SUPPLY टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब ABSORB एंड एब्जॉर्ब CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई आर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। ठीक है, तो स्टोमेटा क्यों होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे लेट मी रब दिस आंसर, ओके, दे help in exchange of gases। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होती है वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? दे आर हार्मफुल प्लांट्स। अब वीड्स जो होते हैं वो यूजफुल प्लांट्स नहीं होते हैं बल्कि हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, विच रिप्रोड्यूस एंड ग्रो वेरी रैपिडली, जो कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और दे कम्पीट विद अदर प्लांट्स फॉर स्पेस, और जितने भी जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके साथ दे कम्पीट विद दियर प्लांट्स फॉर स्पेस। ठीक है, जगह के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए ये दूसरे पौधों के साथ कम्पीट करती हैं। दे ब्लॉक वाटर वेज, ये वाटर का जो आने का वेज होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं बाई ग्रोइंग एट हाई स्पीड, इतनी तेज़ी से ये बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हेंसिंथ एंड डकवीड, ये सब क्या होते हैं? वीड्स होते हैं जो वाटर वेज को ब्लॉक करते हैं। एलगी क्या होता है? एलिगिया स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, दे कैन बी इन ब्लू और ग्रीन इन कलर, जो कि हरे भी हो सकते हैं और नीले भी हो सकते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और आपको पता है जो एलगी होते हैं इनको हम हिंदी में शैवाल कहते हैं, और ये बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हाउएवर देयर एक्सेसिव ग्रोथ, वेट, However, their excessive growth can cover the whole water body. लेकिन ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पूरे water body को ही cover कर सकते हैं, like a thin layer, एक पतली layer की तरह, which kills other aquatic organisms. तो जो दूसरे aquatic organisms होते हैं वो उनको kill कर सकते हैं, और इनकी वजह से water pollution भी बहुत ज़्यादा होता है और bad smell भी रहती है, जैसे कि kelp, marimo, ये इसके example हैं। Now, aquatic animals. Let's read the knowledge pedia. Lotus is our national flower. And lotus is green in color, right? Now, if we eat the hollow stems of lotus as a vegetable, इसे कमल ककड़ी कहा जाता है, और ये हम लोग सब्जी की तरह खाते हैं। Aquatic animals live in or near water bodies. जो aquatic animals होते हैं वो water bodies के पास रहते हैं। Aquatic animals जैसे कि fish,
ऑक्टोपस सी हॉर्स लिव इन वाटर थ्रू आउट देयर लाइफ, जैसे कि मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया या फिर सी हॉर्स हो गया, वो पानी में ही रहते हैं पूरे जीवन भर. सम एनिमल लाइक टर्टल, सील, वॉलरस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर. ठीक है, ये ज़्यादातर अपना टाइम पानी के में भी बिताते हैं और बाहर भी आते हैं. ठीक है, दे कम टू द शोर, वो शोर पर भी आते, किनारों पर भी आते, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, एंड ब्रीड, और प्रजनन के लिए. इसलिए जो ये एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टर्टल, सील, वॉलरस, हम इनको सेमी एक्वाटिक एनिमल कहते हैं. फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड कम्स टू लैंड टू ले एग्स. ये लैंड पर आते हैं अंडा देने के लिए, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ठीक है, ऑल एक्वाटिक एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स. जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, विच हेल्प देम टू लिव कम्फर्टेबली इन द वॉटर, जो उनको पानी में आराम से रहने में हेल्प करते हैं. फिशेज हैव अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी, जो मछलियाँ होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती हैं. ठीक है, विच हेल्प देम स्ट्रीम लाइंड बॉडी विथ फिन्स टू स्विम ईजली इन वाटर, जिससे कि वो पानी में आसानी से तैर सकती हैं. फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीद इन वाटर, फिशेज के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी में ब्रीद करती हैं. दे कैन ओनली यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो बस उसी को यूज़ कर पाती हैं. फिशेज, वेल्स, डॉल्फिन्स, टर्टल, सील, वॉलरस, सी हॉर्सेस हैव अ बैकबोन, इनके पास क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं, एंड हम इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं. क्यों वर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास बैकबोन होते हैं. शेल्ड एक्वाटिक एनिमल्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर एंड टर्टल्स आर गिल ब्रीदर्स, दे हैव पैडल लाइक फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम. ठीक है, तो इनको तैरने में मदद मिल जाती है क्योंकि इनके पास फ्लिपर्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स हो गया, लॉबस्टर हो गया और टर्टल हो गया. नाउ एक्वाटिक बर्ड्स, एक्वाटिक बर्ड्स लाइक डक, हेरॉन्स हैव वाटर प्रूफ फेदर्स, इनके फेदर्स कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, एंड इट कीप देम वार्म एंड ड्राई, इसकी वजह से ये गर्म भी रहते हैं और सूखे हुए रहते हैं, क्योंकि गीले ही नहीं होंगे जब वाटर प्रूफ हैं तो. दे हैव वेब्ड फीट, और इनके पैर जो होते हैं वो जालदार होते हैं, टू स्विम एंड वेड थ्रू वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में स्विम करते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, वेल्स और डॉल्फिन की भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, इनके पास भी फिन्स होते हैं तैरने के लिए, एंड लंग्स होती है ब्रीद करने के लिए. दे कम रेगुलरली टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू ब्रीद, और ये सांस लेने के लिए नियमित रूप से सर्फेस पे आती हैं. ठीक है, नॉट टेस्ट योर नॉलेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स. ठीक है, सो टू वॉक ईजली थ्रू वाटर एंड कैच प्रे, दैट्स वाई दे हैव लॉन्ग लेग्स, टू वॉक easily, to walk easily. Okay, why are whales and dolphins are called mammals not fish, because they give birth to young ones, they give birth. हम उनको इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं देती हैं बल्कि जन्म देती हैं. ठीक है, because they give birth. Now mosquitoes, mosquitoes are parasitic insects that feed on the blood of human beings. अब मच्छर ऐसे जानवर होते हैं जो इंसान का खून पीते हैं और जानवरों का खून पीते हैं. दो they do not live in water, यद्यपि वो पानी में नहीं रहती हैं, but they need water to lay eggs, लेकिन उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है अंडे देने के लिए. mosquitoes lay eggs in stagnant or slow moving water. मच्छर जो होते हैं वो stagnant water और slow moving, मतलब कि ऐसा पानी जो इकट्ठा हो रहा होता है या जो पानी धीरे से चल रहा होता है उसी में वो अंडे देते हैं, और जो इनके अंडे होते हैं वो हैच होकर के लार्वा में चेंज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो डिवेलप होकर मच्छर में बदल जाते हैं. मॉस्किटो स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. मॉस्किटो जो होते हैं इनकी वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं उसमें मलेरिया है, डेंगी है और चिकनगुनिया है. द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो सक ह्यूमन्स ब्लड. ठीक है, तो ये क्या करता है, ह्यूमन ब्लड्स के
ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसको वो सक करता है एंड इंजेक्ट अ जर्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और एक जर्म को, कीटाणु को उसके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मॉस्किटोज नीड स्टैगनेंट वाटर एंड वार्म टेम्परेचर। मॉस्किटोज जो होते हैं उनके लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए, और दूसरी चीज़ रुका हुआ पानी, जिसकी वजह से वो प्रजनन करते हैं। हैंस द समर एंड मानसून सीजन आर सुटेबल फॉर देयर ब्रीडिंग, क्योंकि उनको गर्मी चाहिए तो समर में मिल जाता है, और मानसून चाहिए क्योंकि पानी भी उनको चाहिए कि पानी इकट्ठा हो, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं गड्ढों वड्ढों में इकट्ठा होगा, है ना, उसकी वजह से उनको हेल्प होती है ब्रीड करने में। नाउ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, अब मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया गेट्स अ हाई फीवर। जो भी इंसान को मलेरिया होता है उसको बहुत तेज़ बुखार होता है, सीवियर हेडक, बहुत तेज़ से सर दर्द होता है, शिवरिंग, बहुत ही कांपता है वो, फटीक, थकान होती है, जॉइंट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, और सिकनेस होती है, नौसिया मीन सिकनेस। द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया स्टार्ट्स ओनली आफ्टर इट्स कन्फर्मेशन बाई ब्लड टेस्ट, मतलब जैसे ही ब्लड टेस्ट होता है वैसे ही पता चल जाता है कि मलेरिया है। वी शुड नॉट मेक आवर वाटर बॉडीज डर्टी, हमें तो अपना पानी गंदा नहीं करना चाहिए, बाई थ्रोइंग प्लास्टिक्स एंड पॉलीबैग्स इन देम, और ना ही हमें उसमें प्लास्टिक और पॉलीबैग्स फेंकने चाहिए। दे आर होम्स टू मिलियंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है कि पानी जो है वो मिलियंस एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स का घर है, इसलिए हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल्स एचेस, टायर्डनेस, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, अब मलेरिया को रोके कैसे। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट इन एंड अराउंड योर हाउस, पहले तो पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। स्प्रे केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल को छिड़किए जहाँ पर पानी रुक जाता है। ऑयल बीइंग लाइट फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल जो होता है हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहता है, और वो क्या करता है, ब्रीडिंग रोकता है मॉस्किटोज की। थिक मिस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन द एयर, ठीक है, इंसेक्टिसाइड छिड़का जाना चाहिए हवा में। यूज़ कवर डस्टबिन, कवर डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, वायर मैश का यूज़ करना चाहिए डोर्स पर, जिसकी वजह से मॉस्किटोज अंदर ना आए। मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉयल्स का, रिपेलेंट्स का, रात में सोते समय मच्छरों से बचने के लिए। एंटी मलेरिया वर्कर शुड चेक कंट्रोल एंड एडवाइज पीपल टू क्लीन एंड चेंज द वाटर इन कूलर्स एंड टैंक्स। इसके बाद जो एंटी मलेरिया वर्कर्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेक करें और लोगों को बताते रहें कि उन्हें अपना पानी का टैंक कब चेंज करना है, कूलर का पानी कब चेंज करना है, कब क्लीन करना है, ठीक है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, वाई शुड वी कवर आर बॉडी ड्यूरिंग हॉट, वाई शुड वी कवर आर बॉडी ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड वेदर, बिकॉज ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर यू नो जो मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, और उनकी जब ब्रीडिंग होती है तो वो ह्यूमन ब्लड को यू नो पीते हैं, और इसके बाद क्या होता है, हमें मलेरिया होता है ना। तो इस वजह से जब ह्यूमिड वेदर होता है या बहुत गर्मी का मौसम होता है तो हमें ऐसा बोला जाता है ना, थोड़ा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो कि मच्छर वच्छर ना काटें, बाय। ओके, नाउ व्हाई डू मॉस्किटोज बॉर्न डिजीज स्प्रेड फास्टर इन स्लम एरियाज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्लम एरियाज होते हैं बच्चों वो बहुत ही अनहाइजीन होता है ना, अनहाइजीन होता है, और अनहाइजीनिक के साथ साथ वो अनहेल्दी भी होता है। इस वजह से जो स्लम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ एन एक्वाटिक प्लांट, अब आपको बताना है कि इसमें कौन जो है वो एक्वाटिक प्लांट है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज एन एक्वाटिक प्लांट, तो ये तीनों तो एक्वाटिक प्लांट है, बट द क्वेश्चन इज नॉट, सो रोज इज नॉट एन एक्वाटिक प्लांट, रोज जो होता है वो क्या होता है, श्रब्स होता है। दे आर हार्मफुल अनवॉन्टेड प्लांट्स, वीड्स हैं। अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू, अ फ्रॉग जो है वो किससे अपनी सांस लेता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ इट इज एन वर्टिब्रेट, तो आपको बताना है वर्टिब्रेट कौन है, जेलीफिश है। विच ऑफ दीज इज अ फ्लोटिंग प्लांट दैट इज डकवीड, नाउ गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बताने, तो एक तो आपका डकवीड ही हो जाएगा,
DUCK WEED डकविड एंड द नेक्स्ट इज आपका वाटर हाइसिंथ हो जाएगा, ठीक है, HYACINTH, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा हाइड्रिला एंड वैलिसिनेरिया। स्पेलिंग आई एम राइटिंग हियर HYDRILLA, हाइड्रिला हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज VALLI, वैली, एंड देन सिनेरिया, SNERIA, वैली सिनेरिया, दिस इज द सेम वर्ड। नाउ शेल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, आपको ऐसे एनिमल्स का नेम बताना है जो कवच के अंदर रहते हैं पानी में, ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा क्रैब, और उसके बाद आपका हो जाएगा टर्टल, ठीक है, TURTLE। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाटिक मैमल्स, मैमल्स में आपका वेल आ जाएगा और डॉल्फिन, WHALE, वेल, इट्स L, आई एम राइटिंग अगेन WHALE, वेल, एंड देन डॉल्फिन, DOLPHIN, ऑलराइट। नाउ एक्वाटिक बर्ड्स, इसमें आपका आ जाएगा डक, DUCK डक, एंड देन हेरॉन, HERON। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाटिक प्लांट्स, चिल्ड्रन पिक्चर इज अटैच्ड हियर, यू ऑल कैन राइट फ्रॉम हियर, एंड एक्वाटिक एनिमल्स इज ऑल्सो गिवन। नेम द फॉलोइंग, अ बर्ड विद वेब्ड फीट, तो उसको हम कहते हैं डक, डिजीज कॉज्ड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो, इसको कहते हैं मलेरिया, एंड एम्फीबियन दैट इज फ्रॉग, एंड अ वेडिंग बर्ड दैट इज हेरॉन, a wading bird, right? Another name of dirty stagnant water, slow moving water. Now, answering the following question, what is the difference between floating and submerged plants? Answer is given here. You all can write. Next question, difference between vertebrates and invertebrates with examples, that is also attached here, children. What is stagnant water? Answer is given. You all can write from here. How can we protect ourselves from malaria? Okay, so these are the prevention from malaria. You can write any of 2 or 3 points. Okay, now what are symptoms of malaria? Answer is given here. Hots, answer of hots is also attached here. You all can write from there. And then Fungipedia. Okay, so the first one is tape grass. The second is hydrilla. The third one is duckweed. And then vallisneria, dolphin, jellyfish, seahorse. The next question is, read the given hints to name the following aquatic animals. The question is, I have a smiling face. I am friendly towards humans. That is dolphin. I am a playful water animal, good at building dam. That is beaver. I'm a crustacean. People who like seafood love to eat me. Lobster. I'm the beautiful national flower of India. Lotus. ओके, आई एम ग्रोन इन एक्वेरियम टू कीप द वाटर क्लीन, पानी को क्लीन करने के लिए हम एक्वेरियम में किसे उगाते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज वैलिसिनेरिया, सो चिल्ड्रन आई एम राइटिंग हियर द ऑप्शन 5, ओके, आई एम राइटिंग हियर, यू ऑल कैन राइट फ्रॉम हियर, वैलिसिनेरिया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज द नेम ऑफ वैलिसिनेरिया इज VALLISNERIA, वैली सिनेरिया। सो नाउ योर यू नो चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।